Subscribe to Shimaru Shorties and click the bell icon to never miss an update. Wow, kya khana bana hai? Iske andar kya hai, ma? Raita. Oh, lovely. Lao. Sun, Neela ke ghar gaya tha? नीला के घर कैसे जाता माँ, इतनी सारी शॉपिंग करनी थी, देर हो गई ना। अरे तुम नहीं गए? वो बेचारी कितनी बार बोल कर गई। अच्छा है, अब जाओ पता चलेगा। गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग नीला, ये तुम सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? मॉर्निंग वॉक के लिए बीच पर, थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाती ना डैडी, मैं चलूं। अरे सुनो तो, कल तुम कह गई थी कि रवि आने वाला है और मैं इंतजार करता रहा। उसका तो आप नाम मत लीजिए डैडी, मैं अब उससे कभी नहीं मिलने वाली। आई टेल यू आई हेट इट। नीला आई एम सॉरी। नो प्लीज मुझे माफ कर दो। नो रवि, मेरी बात तो सुनो नीला। तुम हमेशा यही कहते हो रवि, नो मोर। नीला प्लीज, लास्ट टाइम, वन मोर चांस। नो मोर चांसेस रवि, नॉट फॉर यू, बाय। नीला के रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है। मिस्टर रवि, हम आपसे लेट सुरेंद्र सिन्हा के बारे में कुछ मालूम करना चाहते हैं। लेकिन साहब, इसके बारे में मैं जो कुछ जानता था पुलिस को 6 महीने पहले बता चुका हूँ। जी हाँ, मैंने आपका स्टेटमेंट पढ़ा है, लेकिन चूंकि अब इस केस का इंचार्ज मैं हूँ, इसलिए दोबारा स्टेटमेंट देना चाहता हूँ। जैसी आपकी मर्जी। मैं उस रात नाइट ड्यूटी पर था जब मैं पहली और आखिरी बार सुरेंद्र सिन्हा से मिला। दिल्ली के नाइट क्लब की सीट बुक की थी मैंने। आपका नाम सर? सुरेंद्र सिन्हा। अरे भाई, बारिश में कहाँ टैक्सी मिलेगी तुम्हें? कहाँ जाना है तुम्हें? जी वाँ। अब मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। थैंक यू सर। बस यहाँ रुक। थैंक यू वेरी मच। यहाँ उतरोगे? हाँ। गुड नाइट। गुड नाइट। 6 महीने की कोशिश के बावजूद मिस्टर सिन्हा तो नहीं मिले, लेकिन एक गटर से उनकी लाश मिल गई है। माय गॉड। वेल, थैंक यू मिस्टर रवि। अरे छोड़ यार, ये तो पियला है, पियला। गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। गुड इवनिंग। आगे हमारा 6 बजे का अपॉइंटमेंट था, ये देखिए, इसे कहते हैं वक्त की पाबंदी। और सुनाइए, कैसे हैं आप? आई एम फाइन थैंक यू। अब ये बताइए कि मैं कैसा? अभी तुम जिसे एक मामूली सा सरदर्द समझ रहे हो वो, लेकिन इसमें क्या है? आज मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, कौन सी ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नहीं हो सकता? डॉक्टर साहब, मुझे बीमारी क्या है? ये स्पॉट देख रहे हो, इसे ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। ब्रेन ट्यूमर? इसका कोई इलाज नहीं डॉक्टर साहब? आप कह रहे थे कि ऑपरेशन ऑपरेशन हो सकता है, तो कीजिए डॉक्टर साहब, मैं तैयार हूँ। जैसा भी ऑपरेशन होगा मैं करवाऊंगा उसे। मैं कह नहीं सकता कि इस ऑपरेशन का तुम पर क्या असर होगा। हो सकता है कि ऑपरेशन पूरी तरह कामयाब हो और तुम बिल्कुल ठीक हो सकते हो। ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है। तुम्हें जल्दी कोई फैसला कर लेना चाहिए। आज का अखबार पढ़ा है? नहीं, नहीं पढ़ा। अरे यार, वो था ना सुरेंद्र सिन्हा, जिसकी गाड़ी में बैठ के तुम मुसीबत में फंस गए थे। हाँ, उसका तो किसी ने खून कर दिया था। और उसके खूनी को पकड़ने का नाम जानते हो? 5 लाख रुपए। इंस्पेक्टर खुराना स्पीकिंग। इंस्पेक्टर, मैं ये तो नहीं बता सकता कि मैं कौन हूं, लेकिन ये जरूर बता सकता हूं कि मिस्टर सुरेंद्र सिन्हा का खूनी कौन है। कहिए, कुछ पता चला? आज मुझे एक अजीब टेलीफोन आया। टेलीफोन करने वाले ने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन उसका यह कहना है कि वो आपके भाई के खूनी को पकड़वा सकता है। तो फिर देर किस बात की है? ये इंफॉर्मेशन देने के लिए उसकी कुछ शर्तें हैं। उसका कहना है कि
ये 5 लाख रुपए उसके बताए हुए वकील के पास आप रखवा दें। पुलिस आज ही आपके पास ये 5 लाख रुपए रखा देगी। दो एक दिन में मुजरिम गिरफ्तार हो जाएगा, लेकिन ये बंद लिफाफा जो मैं अपने खत के साथ भेज रहा हूँ, वो खूनी को उसकी सजा मिलने के बाद खोलिएगा। इसमें जिसका भी नाम हो उसे ये 5 लाख रुपए आप अपनी फीस काट कर दे दीजिएगा। अब मैं आपको बता सकता हूं कि मुजरिम कौन है, किस तरह उसने मिस्टर सिन्हा को किडनैप किया, कहां उन्हें जबरदस्ती छुपा के रखा और किस तरह उनका खून कर दिया। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि खूनी का नाम क्या है। खूनी का नाम है रवि खन्ना। और अब मैं आपको बताता हूं उसने ये खून कैसे और कहां किया। हेलो कुलकर्णी। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। कुछ मिला? जी हाँ, बहुत से प्रिंट्स मिले हैं, जर्सी के टुकड़े मिले हैं। मेरा ख्याल है शायद इस खंबे से मिस्टर सिन्हा को बांधा गया होगा। और कुछ? एक जली हुई शर्ट मिली, मेरा ख्याल है वो खूनी की होगी। सर ये है सिगरेट बर्ड्स और ये है आयरन रॉड। मिस्टर सुरेंद्र सिन्हा की डेथ सर पर चोट लगने से हुई। गवाहों के बयानात, हालात मुकदमा और खुद मुल्जिम के इकबाल जुर्म को पेश नजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम ने मकतूल सुरेंद्र सिन्हा का कत्ल एक सोचे समझे प्लान के तहत किया था। लिहाजा बसबूत जुर्म दफा 302 ताजी रात हिंद अदालत मुल्जिम रवि खन्ना को सजाए मौत का हुक्म देती है। रवि, तुम्हारा ऑपरेशन हो गया, अब तुम बिल्कुल ठीक हो गए। अब मैं खुदकुशी नहीं करना चाहता रानी, मैं अपना बयान बदलना चाहता हूं। तुम अपील करो, मैं अदालत में सारा सच बताने को तैयार हूं। रवि, तुम समझते नहीं, जुर्म तुम पर साबित हो चुका है, अदालत तुम्हें मुलजिम मान चुकी है, सिर्फ तुम्हारे बयान बदलने से क्या होगा? तो फिर मैं क्या करूं? खामोश रहूं, फांसी पर चढ़ जाऊं उस जुर्म के लिए जो मैंने नहीं किसी और ने किया? There you are. ये जुर्म तुमने नहीं किसी और ने किया है, लेकिन वो कौन है? अगर सुरेंद्र सिन्हा के असली खूनी का पता लग जाए तो तुम बेकसूर साबित हो सकते हो। एक्सक्यूज मी, अब काफी टाइम हो चुका है। क्या? आ गया? तुम लोग वहां क्या कर रहे थे? हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, नर्सेस, ड्राइवर सबका बयान ले लो। नीला, मैं वहां से भाग निकला। नीला, न जाने क्यों लेकिन मैं वहां से भाग निकला। पुलिस मुझे जगह जगह ढूंढ रही है, सोचा तुमसे मिलता चलो, न जाने फिर कब मिलेंगे। नहीं रवि, पुलिस तुम्हें नहीं पकड़ सकती, कभी नहीं। मैं चलो हम यहां से भाग चले। कहां? पता नहीं। एक्सक्यूज मी, I'm sorry. It's all right. बोलो तुम क्या चाहते हैं? एक करोड़पति औरत के पति होकर क्या जरूरत थी कि वो 5 लाख रुपए के लिए किसी का खून कर दें? खून? नहीं नहीं, मैंने किसी का खून नहीं किया। ये अंगूठी कहां से आई आपके पास? अरे ये तो मेरी अंगूठी।
क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अंगूठी आपको कहां से मिली? प्रकाश पेड्रो रोड पर उसकी क्यूरियस की दुकान है। वो अक्सर मेरे घर पर तरह तरह चीजें लेकर आता है, जैसे कि लैंप, फानूस, कोई मूर्ति। इस बार वो अंगूठी लेकर आया, मुझे पसंद आई, मैंने खरीद ली। अगर आपको इतराज ना हो तो मैं कुछ दिनों के लिए अंगूठी अपने पास रखना चाहता हूँ। थैंक यू। कौन हो तुम? मैं वो हूँ प्रकाश जो तुम्हारी वजह से फांसी चढ़ने वाला हूँ। माइकल ने जला प्रोफेशनल चोर है। दारू की बोतल में साहेब पानी भरता है, फिर न कहना माइकल दारू पी के दंगा करता है। हे तो मैं जानता हूँ कि तुमने सुरेंद्र सिन्हा का खून नहीं किया, इसलिए कि अगर ये अंगूठी सुरेंद्र सिन्हा की है तो मैंने असली खूनी को देखा है। कहाँ देखा उसे? बहुत बारिश हो चुकी थी उस रात, जैसे ही गाड़ी रुकी मैंने लपक कर रिवॉल्वर गाड़ी चलाने वाले की कनपट्टी पर रख दिया, लेकिन उसके पास कुछ था ही नहीं क्योंकि वो स्लीपिंग सूट में था। मैंने देखा कि पीछे की सीट पर एक आदमी लेटा हुआ है। गाड़ी चलाने वाले ने कहा कि वो उसका दोस्त है जो कि सख्त बीमार है और उसे हॉस्पिटल ले जा रहा है। मैंने कहा इसके पास तो कुछ होगा। गाड़ी चलाने वाले ने पलटकर उसके हाथ से यह अंगूठी निकालकर मुझे दी। मैंने रिवॉल्वर हटा लिया और वो गाड़ी लेकर चला गया, समझे? उन्हीं पे 5 लाख रुपए का इनाम है। 5 लाख? हाँ, और अगर तुम चाहो तो ये अंगूठी भी अपने पास रख सकते हो, हो सकता है वो आदमी तुम्हें फिर मिल जाए। माइकल, ये 5 लाख रुपए का इनाम उस आदमी के ऊपर नहीं है जिसको तुमने एक बार स्लीपिंग सूट पहनकर देखा था। अब 5 लाख रुपए का इनाम तो उस पर है जिसके पीछे पुलिस लगी हुई है और जो अदालत में सुरेंद्र सिन्हा का खूनी साबित हो चुका है, समझे? तुम चाहते हो एक बेकसूर आदमी को मैं 5 लाख रुपए में बेच दूं? अरे 5 लाख में तो मैं अपने बाप को बेच दूं। आप मुझसे मिलना चाहते हैं? सुरेंद्र सिन्हा का खूनी मेरी आंखों के सामने है। क्या बकवास करते हो? कौन हो तुम? सिन्हा साहब, आप मुझे भूल गए, लेकिन ये अंगूठी तो पहचानते होंगे। तुमने खुद अपने भाई का खून किया और उस गिलास को यहां से दूर ले जाकर एक कटर में छोड़ दिया। कितना रुपया चाहिए तुम्हें? ज्यादा नहीं, 7.5 लाख। 7.5 लाख? हाँ, 2.5 लाख रुपया चुप रहने का, 5 लाख तो तुम अपने भाई के खूनी को पकड़वाने का कह चुके हो और ये काम मैं कर सकता हूं। रवि, जिस पर के तुम्हारे भाई का खून साबित हो चुका है, असली खूनी की तलाश में, और जब तक रवि फांसी के तख्ते पर नहीं चढ़ जाता तुम इत्मीनान का सांस नहीं ले सकते। रवि को मैं तुम्हारे हवाले कर सकता हूं और इन दोनों कामों के लिए 7.5 लाख रुपए की रकम कोई खास बात नहीं है। कल तुम्हें 7.5 लाख रुपए पहुंचाएगा, लेकिन एक शर्त, मुझे रवि चाहिए। सौदा नकद है, इस हाथ दे इस हाथ ले, लेकिन यह सौदा कहां होगा वो जगह मैं बताऊंगा। मुझे शर्म नहीं आती मुझे भाई कहते हुए। कई दिनों से मुझे तुम दोनों पे शक था और यही मालूम करने के लिए मैंने दिल्ली जाने का बहाना किया कि तुम दोनों को रंगे हाथ पकड़ लूं। मैं जलील औरत से शादी करना चाहता था, ये मेरी बेवकूफी थी, अंधापन था मेरा। भाई सब मैं पे तेरा भाई नहीं, और ना ही ये तेरा घर है, निकल जा। हेलो, मैं माइकल बोल रहा हूं। इस आदमी की तुम्हें तलाश थी वो मिल गया है। क्या माइकल, तो मुझसे मजाक तो नहीं कर रहा? जगह तो समझ गए ना, ठीक 11 बजे। बाय प्रकाश। यार तुम कर क्या रहे हो? इसको भी बुला रहे हो, उसको भी बुला रहे हो। मैंने रवि से वायदा किया था कि उसे असली खूनी तक पहुंचा दूंगा, और खूनी से वायदा किया था कि उसे रवि तक पहुंचा दूंगा। आज मेरे दोनों वायदे पूरे हो जाएंगे और मुझे 7.5 लाख रुपया मिल जाएगा। हेलो माइकल। हेलो रवि, तुम्हें जिससे मिलना है वो अंदर है, आओ मिला दूं।
रवि, सुरेंद्र सिन्हा का खूनी उसका अपना भाई है, ये नरेंद्र सिन्हा, और उसकी गवाही सिर्फ मैं दे सकता हूँ। माइकल, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ, अभी हॉस्पिटल। नहीं नहीं रवि, अब मेरा यहाँ से उठना मुश्किल है, तुम्हें डॉक्टर को यही लाना होगा। जब तक मैं जिंदा हूँ, इस हरामी को यहाँ से हिलने नहीं दूंगा। Oh, man, go for Christ's sake, go! Doctor! Doctor, you're going to come here. Why? Let's go with me. But... I'm going to die in danger, Doctor. Let's go! Come on, hurry up! Itna paseena kyun aa raha hai? तुम चले जाओ, जाओ। जाओ, जाओ। माइकल, डॉक्टर आ गया, ये लीजिए डॉक्टर। माइकल, 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 कौन हो तुम लोग, ये क्या हो रहा है? ऑफिसर, ये आदमी, ये प्लीज अपना बयान देना चाहता हूं। मिस्टर रवि, माइकल ने अपना बयान दे दिया है, जो कोर्ट में तुम्हें बेगुनाह साबित करने के लिए हेल्प करेगा, वो तुमसे मिलना चाहता है, जल्दी जाओ। उसके पास वक्त बहुत कम है, जल्दी जाओ। हरिया हाउ ना रेडी उसे कमानियो। माइकल, 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 देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे दो